तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल के बिल्कुल मेन गेट पर। यहाँ से रिक्शे जाते हैं जहाँ पर भी आपको जाना है, जिस भी मंदिर में। तो मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर, और वहाँ से 2 कदम की दूरी पे है विश्राम घाट, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद आराम किया था। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि घूमने के बाद वहीं से ही रिक्शे मिलते हैं जो आपको 20 रुपये में द्वारकाधीश मंदिर पे उतारते हैं। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद हमें मंदिर के सामने एक बहुत अच्छे पंडित जी मिल गए जो हमें इस मंदिर के बारे में बताएंगे। तो चलिए उनसे पूछते हैं इस मंदिर की कहानी के बारे में। ये द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा के नगर के लक्ष्मीचंद जैन का बनाया हुआ है। 7 वर्ष की आयु में जिनके घर में पुत्रत्व की प्राप्ति हुई तब उन्होंने द्वारकाधीश के मंदिर को बनाया है। मंदिर के अंदर में 12.5 मन सोना दान किया, उस 12.5 मन सोने का इसी मंदिर के अंदर पालना डाला जाता है जो सावन के महीने में दिखाया जाता है। हमारे मथुरा का एक नियम है कि मथुरा की बेटी को कोई की गाय और फूटे तो बाहर जाए, तो यह इसी मंदिर के अंदर में 12.5 मन सोने के पालने में भगवान को पालना डाला जाता है। घर पे गाते हैं नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की, और हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, वो नंदों का इसी मंदिर में मनाया जाता है। इसी मंदिर के अंदर की खासियत यह है कि यहाँ पर सोने का दरवाजा लगा हुआ है। शादी के 8 खंभे भगवान के जगमोहन में लगे हुए हैं। नित्य प्रति ठाकुर जी का श्रृंगार में जो दर्शन होता है वो मोती मणियाँ हीरा जवाहरात पन्नाओं से श्रृंगार होता है। इस समय जो ठाकुर जी का राजभोग में दर्शन हुआ है इसमें भगवान की माथे पर माणिक लगा हुआ है, थोड़ी पर हीरा लगा हुआ है, गालों पर पुखराज है, आँखों में नीलम लगा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ मंदिर के अंदर। तो द्वारकाधीश मंदिर के अंदर चलिए आपको श्री कृष्ण भगवान के भी दर्शन करवाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं श्री कृष्ण के विश्राम घाट की ओर। इसको बोला जाता है गोकुल गमन मार्ग। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब पंथ के कारागार में जन्म लिया तो वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को बास्केट पर रख के इसी मार्ग से गोकुल लेके गए। यहाँ जमुना जी के तट पर खड़े होकर के एक बार वासुदेव जी भी विचलित हो गए थे, क्योंकि ऊपर से बहुत तेज बारिश गिर रही थी, सामने से यमुना बहुत तेजी से बह रही थी। एक बार घबरा गए कि आखिर हम इस बालक को लेकर के कहाँ जाएं। फिर वहाँ पर ब्रज में कहा जाता है कि ठाड़े बसते करें पुकार और कैसे जाऊँ यमुना पार में, यमुना के पार किस प्रकार से जाऊँ। तो यहाँ पर भगवान जब के छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया जो पूर्व जन्म थे, वो शेषा अवतार में आए और उन्होंने आके भगवान के ऊपर छत्र छाया की, तो भगवान की एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दूसरी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो गई कि यमुना को पार कैसे जाए, तो भगवान ने अपने चरण को लटका दिया। जब भगवान के चरण स्पर्श कर लिए तो यमुना जी साक्षात खड़ी होकर के वासुदेव जी को दर्शन दिए और कहा कि आप जिनको लेकर के जा रहे हैं वो मेरे स्वामी हैं, तो आप इनको मुझसे मिलाए बिना आप ले जा रहे हैं, ये आपकी बहुत गलत बात है। इसलिए भगवान ने उनका मिलन कराया, तो यमुना का आधा बेग उधर हो गया, आधा बेग इधर हो गया, बीच का मार्ग बन गया। बोले वासुदेव जी अब आप आराम से बिल्कुल चले जाइए, जिसके तक अब आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। तो इसी रास्ते से लेकर के गोकुल चले गए, तो इसको बोलते हैं गोकुल का मंदिर। जिस जगह पर आप जा रहे हैं इसको बोला जाता है विश्राम घाट। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मार के यहीं पर विश्राम किया था,
इसी जगह पर जमुना जी की आरती होती है और इसी जगह पर कार्तिक शुद्धि भाई दूज के दिन बहन भाई हाथ पकड़ के जमुना में स्नान करते हैं। तो जमुना ने जमुना से ये वरदान लिया है कि जो जमुना जी का स्नान दर्शन पूजा करे वो यम के पुरी नहीं जाए, इसलिए इसका नाम पड़ा यमुना। यमुना किसलिए कि जो यम ना जो यम के पुरी नहीं भेजे उसका नाम है यमुना। फुलोबंथी वाले की जय। आज ये जमुना जी का पूजा है, स्वागवती स्त्री जमुना जी की गोद भरती है। पहले यहाँ पर माता बहन लोग के साथ में जब स्वाग पिटारियाँ लेकर के आती थी जिससे माँ यमुना की गोद भरी जाती थी। अब चूंकि महंगाई का जमाना है, कोरोना से आदमी पीड़ित है, इसलिए आज के समय पर हर माता बहन लोग अपने साथ में लाती नहीं है। यहाँ जमुना जी के पीठ पर ये निमित्त मात्र की मिलती है जिससे सभी माता बहन लोग यहाँ जमुना जी की गोद भरती है। इस पूजा का मात्र उद्देश्य इतना है कि अपने परिवार की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा हेतु यमुना जी की पूजा किया जाता है। फुलोबंथी वाले की जय। आज यमुना जी और धर्मराज का मंदिर है जो सूर्यनारायण के पुत्र और पुत्री थे। सूर्यनारायण के दो पत्नियां थी, एक छाया और एक संध्या। छाया से हुए हैं काल और शनि, संध्या से यम हुए हैं यम और यमुना। इसलिए यमुना के तीन भाई हैं काल, शनि और यम। इन तीनों से मुक्ति पाने के लिए ही यमुना जी का पूजा किया जाता है। शनिदेव का मंदिर आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सब जगह मिल जाएगा, लेकिन यमराज का मंदिर नहीं मिलेगा। यमराज का एक मात्र पूरे भारत विश्व में एक ही मंदिर है जो बसरा में विश्राम घाट पर है। श्रीमद् भागवत जी में एक जगह लेख आता है कि सप्त जन्म कथम पापम, सात जन्म का किया हुआ पाप कहाँ कर सकता है। तो भगवान ने एक ही जगह खोली है, वो है मथुरापुरी गौलोक धाम तीर्थ स्थान विश्राम घाट, जिसके बारे में कहा जाता है कि केशवो न शवोदेवो माथुरो न समोदिजो विश्राम तो न समोती तो सत्यन सत्य वसुंधरा। फुलोबंथी वाले की जय। विश्राम घाट जहाँ आप खड़े हैं इसको विश्राम घाट बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मार के यहाँ विश्राम किया है, घाट का नाम विश्राम घाट बोला जाता है। इसके 12 घाट इस तरफ में हैं, 12 घाट इस तरफ में है पीछे की साइड में, बीच में बड़ा घाट विश्राम घाट है। इसकी देखिए लोकेशन इस तरफ में वृंदावन, ये वृंदावन है। ये वृंदावन है, इधर में गोकुल दिखाइए, ये गोकुल है, ये गोकुल है पुल के पास में। ये सामने जितना जंगल आप देखते हैं इसको मधुबन बोला जाता है, मधुबन बोला जाता है, जहाँ भगवान अपनी छोटी छोटी गाय चराते थे। पीठ के पीछे में नंदगांव बरसाना श्री गोवर्धन, ये आरती स्थल देखो, ये जमुना जी का आरती स्थल है जहाँ से सुबह शाम दोनों टाइम पर आरती होती है। जैसे हरिद्वार में गंगा की आरती होती है, पीछे खटके कमल दिखाओ, ये आरती स्थल है जहाँ से यमुना जी की सुबह शाम दोनों टाइम पर आरती होती है। जैसे हरिद्वार में आरती प्रणी है, काशी में मणिकर्णिका है, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, ऐसे मथुरा जी के अंदर विश्राम घाट है। यहाँ देखो इस प्रकार से नाव में लोग बहुत बोटिंग करते हैं, बोटिंग करते हुए देखो। दोस्तों पंडित जी आ चुके हैं यमुना जी की पूजा करवाने। ये देखिए मैंने जो पूजा की थाली ली थी, अब पंडित जी यहाँ यमुना जी की पूजा करवाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको यमुना जी का व्यू दिखाऊंगा और बोटिंग करने चलेंगे। तो दोस्तों यमुना जी की पूजा हो चुकी है काफ़ी अच्छे से, अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों ये हमारी बोट है, इसमें जाएंगे हम बोटिंग के लिए। बोट वाले अंकल से पूछते हैं कहाँ तक लेके जाएंगे हमें। हाँ बताओ कहाँ तक जाएगी? है क्या सामने वाली, वो झंडी वाली तिरपाल वाली हो क्या, वो उसके सामने है, ठीक है लगाए के जब देखिए आप।
बताओ। ये सामने मिलन मंदिर है शनि देव का, दुर्वासा ऋषि और मिलन मंदिर। ये शनि देव जी और ऋषि दुर्वासा जी का मंदिर है। देखिए दोस्तों ये सामने जो आपको दिख रहा है, हजार पुराना ये कंस का किला है, मामा कंस का किला। कंस का किला है ये सामने, 5,500 पुराना। कंस को मार के भगवान जी ने विश्राम किया, वो मेन विश्राम घाट उधर थे तुम बैठे थे पूजा करी। हाँ वो मेन घाट है इसमें दोस्तों। ये बता रहे हैं कि कंस का जो किला है 5,500 साल पुराना है। देखिए यमुना जी इसमें नाव में बैठे ही आपको सारा व्यू नजर आ रहा है यहाँ का। जो वृंदावन की रास्ते में पहला मंदिर पड़ेगा बिरला मंदिर, हाँ, फिर उसके बाद में वो पागल बाबा का मंदिर पड़ेगा, वो सफेद वाला पेड़ों में दिख रहा है। फिर उसके बाद सफेद वाला जो सामने पागल बाबा का मंदिर है, हाँ, फिर उसके आगे वृंदावन है। जब वृंदावन आएगा गौ घाट चक्कर तीर घाट बोलते हैं इसको। अब मिशन घाट है ये, कालिया कलर है, कालिया नाग इसी में मारा था। हाँ वो वृंदावन में कदम का पेड़। अच्छा जी वृंदावन होती हुई तो आ रही है यमुना जी। अच्छा अच्छा हाँ। वो वृंदावन में भैया जी। ये सामने वासुदेव घाट है जो भगवान जी को गोकुल यमुना पार करके ले गए। ये सामने संत घाट है जी, पहले मैजिक थे, इसमें हनुमान जी ना शंकर जी ना मंदिर है। ये संत घाट है, ये संत घाट है सामने। ये संत घाट है, इधर भांग ठंडाई छंटती है, ब्राह्मण लोगों की गोदा कहते ने भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, एक दिन की हो तो घोटू रोज ना घोटी जाए, भोला भंग तुम्हारी। तो पार्वती जी भी हैरान हो गई है। हाँ तो ये शिवशात्री को भोग लगता है ना भगवान जी का, शिवशात्री को भांग की ठंडाई बनती है, वो ब्रज में ज्यादा भांग ही ज्यादा चलते आए, भांग चलता है। पागल बाबा कौन थे? अजय तो नाम है उसका। अच्छा नाम था। नाम है मंदिर का, मंदिर का नाम है। अब जी तो मुझे पागल बाबा तो जो जो मुझको मालूम है जो बता रहे हैं उसका सुनते हैं, नाम बताते हैं उसके। पागल बाबा का मंदिर है बिरला मंदिर, पागल बाबा और तुम्हारे वृंदावन में सोने का खम्मा है का, रंग जी का, अंग्रेजों का, निधिवन, सब माँ है, सबसे ज्यादा मंदिर है देखने लायक। निधिवन कहाँ पे? वृंदावन में ही, वृंदावन में ही है। वैष्णव देवी ये सब वृंदावन में ही है। निधिवन जा सकते हैं अभी? हाँ अब नहीं, संध्या को जाएंगे, तो सब मंदिर खुले हुए हैं बंद 3 बजे तक। 3 बजे के बाद में 7-8 बजे तक मंदिर खुले रहते हैं, और 7 बजे के बाद में तो निधिवन में कोई जाता नहीं है। साथ साथ में कहते हैं आँख मीच के तुम दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी बंसी बजाते हुए देखते हैं निधिवन में। निधिवन का जी हिसाब है, आँख बंद करके तुम हाथ जोड़ के सच्ची भावना से जो देखेंगे तो ठाकुर जी राधा रानी और भगवान जी बंसी बजाते हुए दिखते हैं, जो उसका निधिवन है। तो दोस्तों मुझे पता नहीं था, यहाँ अंकल जी की बात सुनने के बाद निधिवन के बारे में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जगा है। अब मैं जाऊंगा यहाँ से सीधा निधिवन, तो वहीं चल के आपको दिखाऊंगा निधिवन कैसा है और सब कुछ जानेंगे उसकी कहानी। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल KSP Vlogs। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा वीडियो देख सकें। और अब दोस्तों यमुना जी का व्यू इन्जॉय करें। गिट्टी है ये